Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. तो आज जो हम सूत्र लेने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपको ये जो शील समाधि पन्या का जो मार्ग बुद्ध ने बताया है वो किस तरह से धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता है, किस तरह से एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे चरण में ये पहुंचता है और किस तरह से भिक्षुओं को शिक्षा दी जाती है. ये जो शिक्षा भिक्षुओं को दी जाती है उससे हम अभी जो भी गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं उसके अंदर भी आप वो उसका जो लेसन है उसका जो शिक्षा है वो ले सकते हैं और आप अपने जीवन के अंदर भी वो उतार सकते हैं. ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में मिगारा माता के महल में विहार करते थे. अभी ये मिगारा माता का महल जो है उसके अंदर भी एक अच्छी कहानी है, उससे हम शुरुआत करते हैं. तो मिगारा जो था वो एक बहुत ही अमीर जो है व्यापारी था और जो उसका व्यापारी उसकी जो बहू थी उसका नाम था वैशाखा. वैशाखा जो है बहुत ही चालाक थी और वो बुद्ध की शिष्य भी थी और वो सोतापन्ना बहुत यंग एज के अंदर वो सोतापन्ना हुई थी तो बहुत ज्ञान था उसके पास और प्रज्ञा भी थी. तो एक बार क्या हुआ कि वैशाखा अपने ससुर को मिगारा को खाना खिला रही थी तो कोई भिक्षा मांगने कोई आया उनके द्वार पे तो उसने उसका जवाब नहीं दिया. उसने फिर दूसरी बार पूछा, भिक्षा मांगी तो उसने जवाब नहीं दिया. तो फिर वैशाखा ने क्या कहा कि ये बासी खाना खा रहे हैं, आप अभी जाओ. तो वो बहुत गुस्सा हो गया, उसका जो ससुर था मिगारा वो बहुत गुस्सा हो गया. बोला कि तुम क्या कह रहे हो कि ये मैं बासी खाना खा रहा हूँ, ये तो राजाओं को भी नहीं मिलता वैसा मैं खाना पकवान हमारे घर में बनता है. तो उसने समझाया कि देखो जो भी आपने कर्म पिछले जन्म में किए हैं उसका फल ये है कि आपको ये मिल रहा है. तो ये जो अभी आप इसका फल भोग रहे हैं वो जो है वो बासी खाना है. अगर अभी आज अच्छा कर्म करेंगे तो ही आपको फिर फ्यूचर के अंदर भविष्य के अंदर आपको कुछ अच्छा मिलेगा. तो इतना खुश हो गया ये सुन के और उनको उसको पता चला अपनी गलती के बारे में तो उसने कहा कि मैं तुमको अपनी माता मानता हूँ. तो अपनी बहू को वो माता करके बुलाता था इसलिए उसका नाम जो है उसको मिगारा का माता का नाम दिया. अभी ये महल क्या है, तो एक बार वैशाखा जो है बुद्ध को मिलने गई थी तो उनके पास में एक बहुत कीमती हार था तो उन्होंने बोला कि ये हार पहन के तो मैं बुद्ध के पास नहीं जा सकती हूँ. तो उन्होंने ये हार को एक झाड़ के नीचे रख दिया और फिर बुद्ध को मिले और वापस आते वक्त उसके जो अटेंडेंट था या जो लड़की थी उसके साथ में उसने वो उठाना भूल गई हार को. फिर जब उसको पता चला तो उसको उसने भेजा उसको और बोला कि आप जाओ और देखो कि वो झाड़ पे है या किसी भिक्षु ने लेके सेफ कीपिंग में रखा है. मीन्स वहाँ पे इस तरह का हमारा विनय के अंदर रूल है कि अगर आपको अपने जो व्यास के अंदर कोई चीज़ मिलती है जिसका ये आपका नहीं है तो आपको कहीं पे सुरक्षित जगह पे रख देना चाहिए. तो उसने पता किया कि वो सुरक्षित जगह पे भिक्खु आनंद ने शायद वो रख दिया था. तो फिर वैशाखा ने बोला कि ये इसको दान कर दो. तो तब वो वापस वो आई उसके जो अटेंडेंट थी और उसके उसने बोला कि मैं हम लोग उसके दान करते तो उन लोगों ने मना किया कि हम ये चीज़ दान में नहीं ले सकते हैं. जो सोना है उसके अंदर हीरे है वो सब है तो इसके हिसाब से ये दान में नहीं ले सकते. तो फिर उसने क्या किया, वैशाखा ने वो हार ले कर उसको बेच दिया और उस पैसे से उसने ठाना कि यहाँ पे एक भिक्खु निवास बनाएंगे. मगर वो इतना सारा पैसा उसको मिला तो वहाँ पे वो 7 माले का जो भिक्खु निवास बनाया गया जो मॉनेस्ट्री बोलते हैं वो 7 माले का था और उसके उस समय के अंदर वो आर्किटेक्चर का जो है बहुत ही अच्छा मॉडल था. तो वो उसी हिसाब से उसको महल कहने लगे कि ये तो महल जैसा है.
और मिगारा माता का महल, उसके हिसाब से इसका नाम पड़ा। तब गणक मोगलाना ब्राह्मण जहाँ भगवान के थे वहाँ गए। तो गणक मोगलाना क्या था, मुनीम थे, मीन्स अकाउंटेंट, जो राजा के लिए अपना हिसाब किताब रखते थे। जहाँ जाकर भगवान के साथ संबोधन कर एक और बैठ हैं, एक और बैठ गए मोगलाना ब्राह्मण ने भगवान से यह कहा। सो अभी आप देख सकते हैं कि कल का जो हमने लिया था सुत्ता, उसके अंदर जो दंडपानी था वो बैठा नहीं और वो खड़ा रहा। तो अच्छा, अगर आप बुद्ध को मिलने जाते हैं तो वहाँ पे आप आराम से बैठ के आप अपनी बातें करते हैं। तो इस तरह से उसने शिष्टता का वर्ताव किया। भगवान गौतम मिगारा की माँ के इस महल के में एक कदम दर कदम प्रशिक्षण, एक कदम दर कदम गतिविधि, एक कदम दर कदम अभ्यास, सीढ़ी के आखिरी पायदान तक देखा जा सकता है। सीढ़ी के आखिरी पायदान तक क्यों, क्योंकि जब ये बनता है सात माले का, तो हर कदम भर कदम वही एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी बना के सात माले तक आप जा सकते हैं, इसलिए वो सीढ़ी का उदाहरण देता है। इन ब्राह्मणों में भी चरण दर चरण प्रशिक्षण, चरण दर चरण गतिविधि, पाठ में चरण दर चरण अभ्यास देखा जाता है। इन तीर अंदाजों में भी चरण दर चरण प्रशिक्षण, चरण दर चरण गतिविधि, तीरंदाजी में चरण दर चरण अभ्यास देखा जाता है। यहाँ तक कि हम में से हिसाब करने वाले जो मुनीम हैं, गणक, इसलिए उसका नाम है गणक, मीन्स वो गिनना से गणक आता है, जो लेखा जोखा रखते हैं, जीवन यापन करते हैं, उन्हें चरण दर चरण प्रशिक्षण, चरण दर चरण गतिविधि, चरण गणन में चरण दर चरण अभ्यास देखा जाता है। जब हमें एक छात्र मिलता है तो हम पहले उसे इस तरह से शिक्षा देते हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चौके, उस तरह से हम एक से सौ तक सिखाते हैं। ये आप टाइम टेबल्स करते हैं ना अपना, टू टू फोर और टू थ्री जा सिक्स, इस तरह का जो टाइम्स, तो सौ तक का टेबल वो लोग सिखाते हैं। अब गुरु गौतम क्या इस धम्म में, विनय में चरण दर चरण प्रशिक्षण, चरण दर चरण गतिविधि, चरण दर चरण अभ्यास का वर्णन किया जा सकता है? ब्राह्मण, एक चरण दर चरण प्रशिक्षण, एक चरण दर चरण गतिविधि, एक चरण दर चरण अभ्यास इस तरह इस धम्म और विनय में वर्णित किया जा सकता है, जिसका प्रकार एक कुशल, जिस प्रकार एक कुशल घोड़े प्रशिक्षक एक उत्तम घोड़े का बछड़ा पाकर पहले उसे लगाम की मुखी पहनाने का कार्य करता है और फिर उसे आगे प्रशिक्षित करता है। तो इसके बारे में थोड़ा वर्णन दिया गया है दूसरे सूत्र में भी, कि पहले वो क्या करते हैं कि एक जो एक रिंग रहता है वो नाक में डालते हैं, तो उससे वो पहले नाक में डालने से वो कंफर्टेबल होता है जो घोड़ा है। फिर उसको क्या करते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं एक सर्कल के अंदर, तो तब वो कंफर्टेबल हो जाता है उसे चलने से। तो उसके बाद में वो लोग उसके ऊपर ये डालते हैं, सैडल बोलते हैं, जो सीट डालते हैं, उसके बाद में वो सीट डाल के उसको गोल गोल घुमाते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर कोई राइड करता है, उसके बाद में उसको आगे आगे इस तरह से सिखाया जाता है। तो उसका वर्णन भी दूसरे सूत्र में ये किया गया, यहाँ पे इस सूत्र में पूरी तरह से ये बताया नहीं गया है। उसी तरह जब तथागत किसी व्यक्ति को शरण में लेने के लिए योग्य ठहराते हैं तो वह पहले उसे इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं, आओ भिक्षु सदाचारी बनो, इसका मतलब है शील का पालन करना,
पतिमोखा के अनुसार संयम संयमित रहो। यहाँ पे आप पतिमुखा है, पतिमुखा में 227 आपको रूल्स दिए जाते हैं भिक्खुओं को, और आपके लिए पांच शील रहते हैं अपने जीवन यापन में। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 8 शील आपको पालन करना पड़ता है। उसी तरह से अपने व्यवहार और गतिविधि के क्षेत्र में निपुण हो, थोड़ी सी चूक में खतरे का देखते हुए प्रशिक्षण नियमों का पालन करते हुए अपने आप को प्रशिक्षित करो। तो मीन्स थोड़ी भी आप इसके अंदर जो आपने हमें ये दिया है, शील दिए हमने आपको, उसको पालन करना है। तो बुद्ध क्या करते हैं कि कोई भी छोटी सी भी आप एक गलती हो उसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी शील दिया जाता है उसका पालन करना चाहिए। जैसे आपको बोला जाता है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, ये सारे चीज़ें का शील है। मगर हम आपको यहाँ भी बोलते हैं कि मौन भी रखना है, वो भी आपका एक शील का ही पार्ट है, क्योंकि आपने हमें वचन दिया है। तो आपको अगर आप बोलेंगे तो आप उस शील का भंग करते हैं। तो हर एक छोटी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो क्या कहते हैं कि हर एक चीज़ के अंदर वो डर देखता है कि कहीं मेरे से गलती नहीं हो रही है। जब भिक्षु सदाचारी होता है, थोड़ी सी भी गलतियों में खतरे को देखता है, तथागत उसे आगे प्रशिक्षण करते हैं। आओ भिक्षु, इस तरह अपनी इंद्रियों के द्वारों को सुरक्षित करो। आँखों से किसी रूप को देखने पर किसी भी विषय या विवरण को ना चिपको। तो अभी क्या बोलते हैं कि अभी अपना इंद्रिय है तो 6 इंद्रियों को आपको संवर में रखना है। आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, अपना शरीर है और अपना मन है। ये सारे 6 इंद्रियों को आपको संवर में रखना है और किसी भी चीज़ पे चिपकाव पैदा नहीं करना है। अगर कोई चीज़ आपको दिखती है तो उसके अंदर ज़्यादा अपना ध्यान नहीं देना है, उसके अंदर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं देना है। तो इसी तरह से आपको कल का सूत्र जो है मध्यमनी का 18 का हमने बताया था, तो वहाँ पे भी आपको ये बताया गया था कि कहाँ पे भी आपका चिपकाव होता है वहाँ से आपका प्रपंच चालू होता है। प्रपंच संज्ञा सरकारा का क्या चालू है, कोई भी चीज़ के अंदर आपका चिपकाव होना, लगाव होना, कोई चीज़ को आप बोलेंगे कि ये अच्छा है, उस तरह से अगर होगा तो आपका चिपकाव पैदा होता है। अगर आप आँखों के संयम के बिना रहते हैं तो दुष्ट अकुशल गुण जैसे लालच या घृणा आप पर हमला कर सकते हैं। इसके संयम के लिए अभ्यास करें, आँख की रक्षा करें, नेत्र शक्ति के संबंध में संयम बनाए रखें। तो उसी तरह से नेत्र के हिसाब से उन्होंने कान के लिए बताया, नाक के लिए बताया, मुंह के लिए, शरीर के लिए और मन के लिए। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहा है, और अगर वो किसी चीज़ पे चिपकता है तो उसको छोड़ देना है। तो किस तरह करते हैं, सही प्रयास, हम लोग उसको पहचानते हैं, रिहा करते हैं, यहाँ पे आके रिलैक्स करते हैं, फिर आप फिर से मुस्कुराते हैं और फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। जब भिक्षु इंद्रियों में कुशल होता है तथागत तब उसे आगे प्रशिक्षण करते हैं। आओ भिक्षु, ऐसा व्यक्ति बनो जो खाने में मध्यम या खाने में संयम हो। तो ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, आपको शरीर को जितना लगता है उतना खाना, इसलिए उसमें मध्यम आपको रहना चाहिए। उसमें खाने जो आप हम हमारे बंते जी और हम यहाँ पर चैंट करते हैं पति संख्या योनि सो पिंड पातन, तो ये जो है इसका सारा जो विवरण यहाँ पे दिया गया है। खाने को उचित समझकर अपना भोजन ना तो आनंद के लिए, ना प्रमोद के लिए, ना ही मोटा होने के लिए, ना ही सौंदर्य करने के लिए, बल्कि को केवल इस शरीर के अस्तित्व और निरंतरता के लिए, मीन्स आपका शरीर चलता रहे उसके हिसाब से। इसके कष्टों को समाप्त करने के लिए, पवित्र जीवन के समर्थन के लिए, ऐसा सोच के मैं पुरानी भावनाओं को
पुरानी भावना क्या है, जो भूख की भावना है आपकी, जो खाना खाने जाते थे आपका पास क्या रहते हैं, भूख की भावना रहते, तो पुरानी भावनाओं को नष्ट कर दूंगा और नई भावनाओं को, मींस क्या है, ओवर ईटिंग का भावना, अधिक खाने से जो भावना होती है आपको हैवी लगता है, नहीं पैदा करने दूंगा। तो आप क्या करेंगे, आपका भूख को मिटाएंगे मगर आप इतना नहीं खाएंगे कि आपको निद्रा आए या आपको ऐसा भारीपन लगे। इस प्रकार मैं अपने आप को बनाए रखूंगा, निर्दोष रहूंगा और आराम से रहूंगा। तो इस तरह से आपको खाने में, आपको यहाँ पे आपको और क्या खाने में संयम करते हैं कि आपको शाम को नहीं खाते हैं, शाम को अगर जूस रहेगा या कुछ लाइट रहेगा जैसे चाय है, कॉफ़ी है, जूस है, या वो सब खा सकते हैं, या चॉकलेट भी बोलते हैं। अभी इसके अंदर भी कुछ रूल्स हैं, कुछ संघ है, भिक्खु संघ है, वो लोग चॉकलेट अलाउ करते हैं, कुछ भिक्खु संघ नहीं अलाउ करते, कुछ लोग टमेटो का जूस वो अलाउ करते हैं, क्योंकि टमेटो जो है वो फ्रूट है, टेक्निकली फ्रूट है, मगर कुछ लोग बोलते हैं कि सब लोग इसे वेजिटेबल मानते हैं तो हमें नहीं लेना चाहिए। तो हमारा जो थाईलैंड के अंदर हम लोग जिस मॉनेस्ट्री में रहते थे उसका नाम था वाट पाह नाना चात, और जो दूसरा मॉनेस्ट्री था, मेन मॉनेस्ट्री था, वात पपोंग करके था। तो वात पपोंग के अंदर वहाँ पे आपको टमाटर का जूस मिल जाएगा, अगर शाम को आप जाएंगे तो, अगर भूखा है तो उसको टमाटर का जूस देंगे, मगर भाई वात पाह नाना चात में नहीं देंगे वहाँ पे, क्योंकि हर एक अपने हिसाब से भी थोड़ा ये चेंज करता है रूल्स के अंदर। जब भिक्षु खाने में मध्यम होता है तथागत, तब उसे आगे प्रशिक्षित करते हैं, आओ भिक्षु जागरण के प्रति समर्पित हो, दिन के दौरान बैठे बैठे आगे पीछे चलते हुए अपना मन को किसी भी ऐसी गुण से शुद्ध करो जो मन को सीमित रखें। सीमित मन क्या होता है, जो भी मन के अंदर अवरोध रहते हैं वो सीमित मन है। रात के पहले पहर शाम 10 बजे तक के दौरान बैठकर और आगे पीछे चलते हुए अपने मन को ऐसे किसी भी गुण से शुद्ध करें जो मन को सीमित रखें। तो उसको शुद्ध करने का किस तरह प्रकार क्या है, अपना सही प्रयास, वही आपको पहचानना, आपका मन भटक गया है उसे रिहा करना है, रिलैक्स करना है, स्माइल करना है, वापस आना है। तो वही प्रकार पे आप पूरे दिन में अगर वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं या सिटिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, दोनों तरह से यहाँ पे आपको इस तरह करना है। रात के दौरान दूसरे पहर के दौरान रात 10 बजे से 2 बजे, तो रात 10 बजे से 2 बजे कितने घंटे होते हैं, 4 घंटे होते हैं। तो सिर्फ वो 4 घंटे के अंदर वो भिक्खु को बोलते हैं कि सोना है, हम आपको कितना घंटे सोने के लिए आपको देते हैं, 8 घंटे, सो आपको डबल आपको सोने के लिए मिलता है, तो भी आपको 6 घंटा आप नहीं बैठते, बोलेंगे 4 घंटा बैठे, 5 घंटा बैठे, तो 6 घंटा आपको बैठना है। अगर आप बुद्ध का अगर मानते हैं वचन, तो आपको सिर्फ 4 घंटा सोना चाहिए अगर आप ये शिविर में आए तो। तो अभी भी हम आपको 8 घंटा देते हैं, आपको शरीर को नहीं थकना चाहिए, आपको अलर्टनेस रहना चाहिए इसलिए। तो फिर वो किस तरह से सोते हैं उसका भी एक वर्णन किया गया है, अपनी दाहिनी ओर लेटे हुए शेर के मुद्रा में, शेर का मुद्रा कौन सा है, जैसे वहाँ पे आप देख रहे हैं बुद्ध की मूर्ति, उस तरह से हाथ जो है उसको शेर की मुद्रा कहते हैं, एक पैर दूसरे के ऊपर रख सतत अपना मन उठने के लिए तैयार, मीन्स जब आप सोते हैं तब उठने के लिए कौन से समय में उठेंगे वो मन के अंदर पहले आप ये करते हैं, अपना अधिष्ठान करते हैं कि कब आप उठेंगे, किस विशेष विशेष समय पर, मीन्स किस विशेष समय पर उठेंगे आप, वो आप अधिष्ठान करते हैं। रात के आखिरी पहर मीन्स रात 2 बजे से भोर के दौरान बैठे और आगे पीछे चलते हुए अपना मन को ऐसे किसी भी गुण से शुद्ध करें जो मन को सीमित रखता है। तो अभी क्या है कि हर समय
यहाँ पे देखा जाएगा सिर्फ आप जब सोते हैं तभी आप अपना काम ये नहीं करते हैं, जैसे आपको जो बोलते हैं सही प्रयास या शिक्षा आप नहीं करते, बाकी सारा समय आपका ये काम चलते रहता है। जब भिक्षु जागरण के लिए समर्पित है तथागत तब उसे और अधिक प्रशिक्षित करते हैं, आओ भिक्षु ऐसा बनो जो सावधान और सतर्क हो, आगे बढ़ते और लौटते समय अपने आप को सतर्क रखें, जब नज़दीक देखे रहे हो और दूर देख रहे हो, जो भी कार्य आप कर रहे हैं तब आप सतर्क रहेंगे, मीन्स आप खाते हैं पीते हैं आप चलते हैं बैठते हैं लेटते हैं, तो आपको सतर्कता रखना है। सतर्कता का मतलब क्या है, जैसे हमने आपको अभी लंच टाइम में आपको बता रहे थे कि सती पठाना का भी यही मतलब होता है कि आप सतर्क रहें, और सतर्कता क्या रहता है, आपका मन क्या कर रहा है इस समय, आपका मन अगर कोई गलत बातों पे जा रहा है तो आप पहचानते हैं उसे रहने देते हैं, रिलैक्स करते वापस स्माइल करके आप वापस आते हैं, तो हर समय आपको सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। जब भिक्षु ध्यान और सतर्कता से युक्त होता है तथागत तब उसे और प्रशिक्षित करते हैं, आओ भिक्षु एकांत निवास का तलाश करो, एक जंगल एक पेड़ की छाया एक पहाड़ एक घाटी एक पहाड़ी गुफा एक शमशान एक वन खुली हवा घास का ढेर। सो ये क्या कहते हैं कि अभी आप क्या करो कि कोई एकांत में जाओ, एकांत का मतलब क्या है कि किसी से बात नहीं करना, तो आप अगर किसी से बात नहीं करेंगे तो आप क्या रहेंगे, एकांत में रहेंगे। तो अगर यहाँ पे आपको आना है तो आपका लिमिटेशन क्या है, दूसरे लोग हैं, अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे तो फिर वो एकांत में आप रहेंगे, तो एकांत में रहने से आपको आपका जो मेडिटेशन है आपका जो भावना है आपका जो कार्य है वो और अच्छी तरह से होगा। संसार के लोभ का परित्याग कर वह लोभ रहित ज्ञान के साथ निवास करता है। लोभ रहित ज्ञान का क्या मतलब है, क्या प्रज्ञा उसके अंदर जगती है, तो इसका एक यहाँ पे भी इसका जो चिन्ह है अरहंत के ऊपर है, वह अपने मन को लोभ से मुक्त करता है, जो अगर मन लोभ से मुक्त रहता है वो भी एक अरहंत है। दुर्भावना और क्रोध को त्याग कर वह दुर्भावना से रहित सभी जीवों के कल्याण के प्रति सहानुभूति के साथ रहता है, मीन्स वो मेत्ता के भावना के साथ में रहता है। तो अभी उसका क्या हो गया, पहले उन्होंने कैसे चालू किया, शील से चालू किया कि आप अपना शील किस तरह करेंगे, फिर उन्होंने बताया किस तरह से आपका भावना होगा, आप अपने मन को देखते रहेंगे हर एक चीज़ के अंदर आप अलर्ट रहेंगे, फिर आप एकांत में जाएंगे, तो अगर उसके अंदर होता है तो अभी क्या हो गया, प्रज्ञा का है, तो किस तरह से प्रज्ञा जाती है, तो इसलिए शील समाधि और प्रज्ञा, तो अभी आप जो है इसका जो आप नॉलेज है वो किस तरह से ये उत्पन्न होता है, और उस नॉलेज के अंदर क्या है, मेत्ता की भावना है, मीन्स सबके प्रति आप सब प्राणियों के प्रति यहाँ पे मेत्ता आप रखते हैं। वह अपने मन को दुर्भावना और क्रोध से मुक्त करता है, असल और आलस और तंद्रा को त्यागता है, तो आलस भी नहीं करना है, मींस तंद्रा मींस स्लॉट एंड टॉर्पर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, उसको आप वो निकालते हैं। वह आलस और निद्रा से रहित जागृति के साथ रहता है, सचेत सतर्क प्रकाश का अनुभव करने वाला वह अपने मन को आलस्य और तंद्रा से मुक्त करता है, वह व्याकुलता और चित्त को त्याग कर अवचित रहता है, मीन्स वो अभी डिस्टर्ब नहीं होता किसी भी चीज़ से, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, उसका मन भीतर से शांत रहता है, वह अपने मन को बेचैनी और चिंता से मुक्त करता है, संदेह को त्याग कर वह कुशल गुणों के संबंध में बिना किसी परेशानी के
सदैव रहता है, वह अपने मन को संदेह से मुक्त रखता है। मीन्स अगर संदेह मुक्त होना भी एक अरहंत का चिन्ह है, क्योंकि अरहंत को अज्ञान नहीं रहता, मीन्स अविद्या नहीं रहता। जब वो अविद्या नहीं रहता तो कोई संदेह नहीं रहता है, तो एक अरहंत जो है वो भी संदेह मुक्त रहता है। इन पांच बाधाएं जो बोधि और विवेक को कमजोर करती है, उनको छोड़कर फिर कामुकता के कामुकता से काफ़ी एकांत, अकुशल गुणों से अलग, वह पहले जाना में प्रवेश करता है और रहता है। एकांत से पैदा हुई उत्साह और आनंद, आरंभिक विचार और निरंतर विचार के साथ। तो अभी ये सारा जाना के बारे में बताया गया है, किस तरह से अभी भिक्खु जब जाना में जा रहा है तो इसके अंदर ये जैसे हमने मझी महीने का 111 में बताया, इस तरह से पहले जाना में, फिर दूसरे जाना में, तीसरे जाना में और चौथे जाना में इस तरह से जो भिक्खु है या जो साधक है वो प्रवेश करता है। ये मेरा निर्देश है ब्राह्मण, उन भिक्खुओं को जो प्रशिक्षित प्रशिक्षण में है, जिन्होंने हृदय के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, मीन्स अभी तक उन्होंने वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं, लक्ष्य क्या है, निब्बाना, निब्बाना लक्ष्य है, लेकिन बंधन को छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन उन भिक्षुओं के लिए भी जो अरहंत है, जिनके बंधन समाप्त हो गए, तो अभी ये जो सारा प्रशिक्षण का जो मार्ग बताया, ये मार्ग सिर्फ उन लोगों के लिए भी नहीं है जो आप प्रशिक्षण में है, जैसे आप लोग अभी सीख रहे हैं, मगर उनके लिए भी जो अरहंत हो चुके हैं, उनके लिए भी इस तरह से निवास करने के लिए वो कहते हैं। जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है, अपने कार्य किया है, बोझा फेंक दिया है, सच्चे लक्ष्य को प्राप्त किया है, बेड़ियां तोड़ संसार की, जो रही प्रयास द्वारा मुक्त होता है, मिस बेड़ियां गिनते हैं, जैसे बेड़ियां संसार की तोड़ देना बोलते हैं, तो अभी 10 बेड़ियों में भी इस तरह का वर्णन किया गया है, उसको फेटर्स कहते हैं अंग्रेजी में, फेटर्स या लिंक, जो आपका लिंक रहता है वो आपका, जैसे आप जब सोता पना रहते हैं तो तीन आप बेड़ियां तोड़ते हैं, वो तीन बेड़ियां क्या है, एक तो है आपको पता चलता है कि आप जो अगर सीलबता परामर्शा जो बोलते हैं, जो अगर आप ये सेरेमनी या ये करेंगे तो उससे आपका निब्बाना नहीं होगा, कोई भी जात का समझो कर्मकांड करेंगे, कर्मकांड से आपका निब्बाना पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा आपको क्या पता चलता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे निब्बाना तक ले जाएगा, तो ये इस पथ के ऊपर जो आपका डाउट रहता है वो आप निकल जाता है। फिर तीसरा क्या होता है कि आपको जो है अनाथा के बारे में आपको बोध होता है, जो अव्यक्तिगत बोलते हैं हम लोग, अव्यक्तिगत पना, जैसे बोलते हैं ना आपका जो विचार आता है आप अपने पकड़ते हैं उसे, तो उसके अंदर उसका आपको वो कमज़ोर हो जाता है, तो ये तीन बेड़ियाँ आपके टूट जाती हैं। फिर अगर आप सकता कामी होते हैं तो दो बेड़ियाँ कमज़ोर होती हैं, एक है अटैचमेंट, जो आप सेंशुअल अटैचमेंट बोलते हैं, जो भी आपके इंद्रियों से आपको किसी चीज़ के ऊपर चिपकाव रहता है, जैसे कुछ देखने के ऊपर चिपकाव रहेगा, स्वाद के ऊपर चिपकाव रहेगा, वो सारी चिपकाव कमज़ोर होती हैं। फिर दूसरा क्या क्या चीज़ का घृणा कमज़ोर होती है, कि मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, ये सारी चीज़ें कमज़ोर होती हैं। फिर जब अनागामी के स्तर पे पहुंचता है तो ये दो चीज़ें जो है वो भी टूट जाती हैं, तो अभी पांच चीज़ें टूट जाती है और पांच चीज़ें बाकी रहती हैं। जब अरहंत बनते हैं तो वो पांच जो बाकी के बचे हुए जो आपके चिपकाव है वो भी निकल जाते हैं। एक उस चिपकाव के अंदर अज्ञान है, फिर उसके अंदर कोई भी अगर मनुष्य या उस तरह से आपको कोई दूसरे योनि में जन्म लेना है, या आपको जैसे देवता के योनि में जन्म लेना है, वैसे कोई इच्छा है वो आपके ख़त्म हो जाती है। फिर आपका जो रेस्टलेसनेस है वो ख़त्म होता है, और आपका जो एक छोटा सा जो है ना ईगो रहता है, अहंकार,
वो अहंकार खत्म होता है. तो ये सारी चीजें खत्म हो गए, आप अरहंत हो जाते हैं उस तरह से. तो अभी जो है ये थोड़ा डिटेल में है, तो मैं अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ. अभी जो गाणका मोग्गल्लाना पूछता है कि अगर आप ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन आप आपके भिक्खुओं को देते हैं, तो क्या सारे भिक्खु अरहंत हो जाते हैं, सारे भिक्खु अपने इसके अंदर पहुंच जाते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि मैं तुमको सवाल पूछता हूँ, तुम मुझे जवाब दो, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ. तो बोलता है कि अगर कोई तुमसे पूछता है कि यहाँ से यवतमाल जाने का रास्ता क्या है, ओके, यहाँ से यवतमाल जाने का रास्ता क्या है, तो क्या तुमको पता है यहाँ से यवतमाल जाने का? तो बोले हाँ मुझे पता है. तो कैसे जाते हैं? तो बोले इस तरह से जाते हैं हाईवे में, फिर वहाँ पे एक ये आएगा ब्रिज आएगा, ब्रिज पे जाओ, फिर वहाँ पे आप लेफ्ट में जाओ, तो फिर आप यवतमाल में पहुँच जाओगे. तो बोलते हैं कि अगर समझो किसी कोई ने आपसे पता पूछा और जाके फिर वहाँ पे लेफ्ट के बदले राइट मार दिया, तो वो क्या यवतमाल पहुँच सकता है? तो नहीं पहुँचेगा. बोले कि इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो मुझे पता था, तो मैंने तो बता दिया पता किस तरह से जाना है, मगर वो अगर गया नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो बुद्ध भी बोलते हैं कि इसी तरह से मैं जो जानता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ, मगर इस पथ पे चलने का काम किसका है? आप लोगों का है. अगर आप चलेंगे इस पथ पे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, तो फिर उसका रिजल्ट 100% आपको मिलना ही है. ऐसा कोई नहीं है जिसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और रिजल्ट नहीं मिलता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो, अगर आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं रहे हैं, तो वो आपका ऊपर है. तो उसी तरह से बुद्ध समझाते हैं कि उस तरह से फिर बहुत वो खुश हो जाता है जो गणक मोगलाना है, और ये इस तरह से उनका जो तारीफ में कुछ कहता है. शानदार गुरु गौतम, शानदार, जिस प्रकार वह उल्टी हुई वस्तु को सीधा कर रखता है, जो छिपा है उसे प्रकट करता है, जो खो गया है उसे मार्ग दिखाता है, या दीपक को अंधेरे में ले जाता है है ताकि आंखों वाला रूप को देख सके, उसी तरह गुरु गौतम ने तर्क की कई पंक्तियों के माध्यम से धम्म को स्पष्ट किया. मैं शाक्य के लिए गुरु गौतम, मैं शरण के लिए गुरु गौतम के पास, धम्म के पास और भिक्षुओं के संघ के पास जाता हूँ. गुरु गौतम मुझे एक सामान्य अनुयायी के रूप में याद करें, जो आज से जीवन के लिए शासन के लिए चल गया है. तो उस तरह से वो तारीफ करता है. मगर ये जो चीज़ कहा गया है कि जो चीज़ उल्टी है उसे सीधी करना, जो चीज़ अगर छुपी है उसे उजागर करना, तो ये जो फ्रेज कहा जाता है, तो ये हमारे भंते विमलरामसी का कहना है कि ये जो कुछ कमेंट्री में बताया गया कि ये जो फेज है, अगर समझो जो बुद्ध का वचन सुन के एक्चुअली अगर सोतापन्न हुआ है, तो ये जो है वो इस तरह से वो तारीफ करता है. ये बहुत सारे सूत्रों के अंदर मेंशन किया गया है, मगर एक ही एक्सेप्शन है इस सूत्र के अंदर, शायद अजात शत्रु, मगर उसने अपने पिता और पिता का हत्या की थी, तो उसके हिसाब से वो उसका अगला जन्म जो है वो इसमें रहने वाला था, नर्क में रहने वाला था, मगर वो क्योंकि वो उसने बुद्ध का वचन सुना और उसके उनको समझ में आया था तब, इसीलिए वो जब नर्क से बाहर निकलेगा, तो बुद्ध ने कहा जब वो नर्क से बाहर निकलेगा तब वो बच्चे का बुद्ध होगा और उसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध का वचन उसने सुना था. दूसरा है इसी प्रकार के अंदर कि अगर आपका सुना है और तभी आप नहीं बन सकते हैं, तो आपका जो कोई भी अगर नर्क में जाना है अगले जीवन के अंदर, उसके बाद आपको फिर जो आपका मन का जो झुकाव हो गया है, जैसे हम कहते हैं कि जो आप बार बार सुनते हैं और उसके ऊपर ध्यान देते हैं, वो आपका मन का झुकाव हो जाता है. तो जब बुद्ध का आप वचन सुनते हैं, उनको समझते हैं, तो आपका मन का झुकाव निब्बाना की तरफ हो जाता है, और जब आप बराबर से सुनते हैं और ध्यान देते हैं, तो वो जो सुनना है आपका
उसके हिसाब से ही आपका मन का चुकाव होता है और आप वो निब्बाना के पथ में आप चलते हैं। तो ये आज का ये रहा है अपना सूत्र रीडिंग है। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स अभी इसके बाद करते हैं। साधु।